आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो पहले हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल क्या है और ड्राइंग्स किसे कहते हैं। ऑनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहा जाता है अकाउंटिंग में। और हम ड्राइंग्स किसे कहते हैं, जो भी ऑनर्स पैसे या कोई और चीज़, यहाँ हम लिख लेते हैं कैश या इसके अलावा फर्नीचर, कोई बिजनेस की चीज़ जो बिजनेस से निकलवाते हैं अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, अपने घर में लेकर जाने के लिए, उस चीज़ को हम अकाउंटिंग में ड्राइंग्स कहते हैं, यानी विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग नेचर क्या है। अब जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ऑनर जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को उन पैसों की इन्वेस्टमेंट की वजह से ऑनर्स को इंटरेस्ट देना होता है। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस देता है वो बिजनेस का एक्सपेंस है। अब जो पैसे ऑनर्स निकलवाते हैं, जिसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं, या जो फर्नीचर निकलवा रहे हैं फर्नीचर की अमाउंट, या जो कैश निकलवा रहे हैं कैश की अमाउंट पे ऑनर्स को बिजनेस को इंटरेस्ट देना होता है। अब यहाँ ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ऑनर्स बिजनेस को दे रहे हैं, इसलिए ये बिजनेस की इनकम है। अब हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो के बिजनेस का एक्सपेंस है, इसे अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट किया जाता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंस के तौर पर लिखते हैं हम। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, कैपिटल हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि हम लोग इन्वेस्टर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो भी कैपिटल में जमा कर दिया जाता है, ताकि टोटल पता चल जाए कितना ओनर्स के पास जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को जमा करके हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट कंपनी के माली हालात जानने के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाई जाती है। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कहा बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑनर्स बिजनेस को पे करते हैं, इसलिए ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जमा करके ये बिजनेस की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग इनकम स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इनकम के तौर पर लिखते हैं। और हम इसे बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से ट्रीट करते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग इंटरेस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जमा करके, हम लोग ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जमा करके कैपिटल टोटल जो आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल को जमा करके ये ड्राइंग्स की टोटल अमाउंट को लेस कर देते हैं। हम इसकी सही अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को देख लेते हैं। यहाँ है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है इसकी डेबिट साइड जिसपे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, एक होती है इसकी क्रेडिट साइड जिसपे हम लोग इनकम लिखते हैं। यहाँ हमने डेबिट पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम एज्यूम कर लेते हैं जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया था वो यहाँ 1 लाख रुपीज थे। 1 लाख रुपीज कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया था, इस पे जो हमने इंटरेस्ट पे किया है बिजनेस के ऑनर्स को वो है 10%। हम परसेंटेज को कैलकुलेट इस तरह से करते हैं, 1 लाख रुपए हमने यहाँ लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, डिवाइड किया 100 के साथ, तो 0 को हमने इस 0 से काट दिया, इस 0 को इस 0 से काटा, तो ये बाकी जो रह गया है ये हमारे पास ₹10,000 है। तो ये जो ₹10,000 है ये हमारा यहाँ पे हम लोगों ने डेबिट साइड पर लिख दिया, ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस को ये अमाउंट बिजनेस के ऑनर्स को देनी है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऑनर्स ने बिजनेस से 40,000 रुपीज़ निकलवाए, हम फर्ज कर लेते हैं 40,000 निकलवाए। जब ऑनर्स ने बिजनेस से अमाउंट निकाली है तो ऑनर्स ने बिजनेस को उस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10% इंटरेस्ट देना है। तो हम लोग 40,000 को अगर मल्टीप्लाई करें 10 के साथ और डिवाइड कर दें 100 से, तो ये हम लोगों के पास 0 से हमने 0 काट दिया, इस 0 से हमने 0 काट दिया, और ये हमारे पास जो बाकी रह गया है ये 4,000 है। तो 4,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम है, तो ये हम लोग बिजनेस की इनकम को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो हमने इसको क्रेडिट साइड पर लिख दिया 4,000 को। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल को हम, और ड्राइंग्स एंड कैपिटल को हम लोग किस तरह से बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल हमने देखा, हमारे बिजनेस का जो कैपिटल था वो यहाँ पे 1 लाख था, हम यहाँ पे 1 लाख लिख देते हैं, और इस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया गया, जो पे किया है बिजनेस ने जो इंटरेस्ट पे किया है बिजनेस के ऑनर्स को, वो एक्सपेंस है उसका। और कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम जमा करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 10,000 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, तो इसको हम लोग जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,10,000 हमारे पास टोटल कैपिटल बन गया।
जो कि ऑनर्स का है। अब इसमें से जो पैसे ऑनर्स निकलवा चुके हैं जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, वो है हमारे पास 40,000। 40,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे और इस ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट हम लोगों ने ऑनर से लिया है वो इसमें जमा किया जाएगा। ये टोटल मिलाकर बन जाएगा 40,000 को, और 4,000 को जब हम जमा करेंगे ये बन जाएगा 44,000। तो हमने यहाँ 44,000 लिखा। अब कैपिटल को हम किस तरह से शो करते हैं, हम टोटल कैपिटल के अमाउंट में से टोटल ड्राइंग्स जो हैं 44,000 उसको माइनस करते हैं, 1,10,000 में से हम यहाँ लेस करेंगे टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट जो कि 44,000 है, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 66,000 कैपिटल है जिसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। टोटल कैपिटल में से टोटल ड्राइंग्स को लेस किया और अब जो कैपिटल है वो है 66,000। इस तरह से बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एंड इक्विटी में हम इक्विटी हम कैपिटल को कहते हैं, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी में हम इस साइड पर कैपिटल को और ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हमने जाना ड्राइंग्स क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, और हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अकाउंटिंग में एक्सपेंस कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बिजनेस के लिए इनकम कहा जाता है, और इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, और किस तरह से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, ये आज हमने जाना।